हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे 58 रुपीज़ के एक पेनी स्टॉक की जो कि हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिनके 7 हॉस्पिटल्स हैं साउथ इंडिया में और 2 और नए हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और ये कंपनी जो हॉस्पिटल चेन है इनकी, जो कि जिसमें सभी टाइप के जो इलाज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, सर्जरीज होते हैं, इसलिए इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि बीमारियाँ कभी ख़त्म होगी नहीं। और इनका जो गुडविल है बहुत अच्छा है साउथ इंडिया में। कंपनी का नाम है KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड। KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि फ्राइडे को 58 रुपीज़ में क्लोज हुआ था। 52 भी खाया था 91 रुपीज़। PE है अभी 40 का, EPS है 1.50 का, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.30। कंपनी पर डेट भी काफ़ी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग 75%। FIDII का होल्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये शेयर आपको 50 रुपीज़ से 52 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, नज़र बनाए रखिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जब भी मार्केट चलेगा ये शेयर आपको 100 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो मार्च 2021 में प्रॉफिट था 5 करोड़ 30 लाख रुपीज़, दिसंबर 2021 में था 8 करोड़ 10 लाख रुपीज़ एंड मार्च 2022 में प्रॉफिट था 4 करोड़ 30 लाख रुपीज़। अभी थोड़ा प्रॉफिट घटा है इसीलिए भी शेयर गिरा था, बट जैसे ही क्वार्टर वन का रिजल्ट अगर बहुत अच्छे आ गए तो ये शेयर फिर से रॉकेट बनकर ऊपर जाते हुए दिखेगा। बट हॉस्पिटल सेक्टर एक सेफ सेक्टर कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, और इनके हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ने वाला ही है। इसीलिए इस कंपनी को बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर्स बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।